अभी खड़े हैं सिंगताम पावर हाउस के सामने। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट विच वॉज कंस्ट्रक्टेड मोस्ट प्रोबेबली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट इन इंडिया। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फर्स्ट पावर स्टेशन इन एशिया, हाइड्रो पावर स्टेशन इन एशिया, दैट इज इन चित्राभुम इन द फुट हिल्स ऑफ आर्या टी स्टेट। दिस सिंगताम पावर हाउस इज ऑल्सो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द सेम एरिया। ये भी लगभग वही टाइम में बनाया गया था गाइस, ब्रिटिश काल में ये इसका निर्माण हुआ था। और अभी फिलहाल तो ये बंद है, इसका हालात ऐसा हो गया है। इसका एक छोटा सा टूर कराऊंगा मैं आप लोगों को, इसका अभी कंडीशन क्या कैसा है, थोड़ा अगल बगल घूम के कुछ वीडियोस क्लिक करेंगे। हेरिटेज साइट बन सकता था दार्जिलिंग में, इनफैक्ट इंडिया में अगर इसका ठीक से ध्यान रखा गया होता। लेकिन बहुत दुख की बात है गाइस कि आज ये इस हाल में हमें देखना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और लोगों ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, सो उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं कि एक हेरिटेज बनने लायक का एक पावर स्टेशन आज ये हाल में है गाइस। और गाइस आप लोग देख सकते हैं ये पूरा एक खंडर हो गया है, जाने का भी रास्ता भी नहीं है गाइस, देखिए कैसा हालत हो गया है। अगर इसको लोग थोड़ा प्रिजर्व करके रखता ठीक है तो एक हेरिटेज साइट बन सकता था, जैसे दार्जिलिंग में आपका चित्राभुम में है। चित्राभुम में जो है एशिया का फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है, चित्राभुम आपका आर्या टी स्टेट के नीचे पड़ता है, वो अभी एक हेरिटेज साइट बन गया है ठीक है। उसी प्रकार से ये भी एक हेरिटेज साइट बन सकता था अगर लोगों ने इसको थोड़ा ध्यान दिया होता, लेकिन ये तो बंद है, देखिए गाइस ये पूरा खंडर हो गया। ये भी बहुत ही पुराना एक पावर स्टेशन है गाइस, जो चित्राभुम का जो आपका पावर हाउस जो है लगभग वही समय काल में ये भी शायद बना होगा गाइस। देखिए कैसा हालात है, पूरा खंडर जैसा हो गया है गाइस। इसका मेन एंट्रेंस देखिए, ये उसका मेन एंट्रेंस था और यहाँ आगे कुछ इसका ट्रांसफॉर्मर सब हुआ करता था, अभी तो एक भूत बंगला जैसा हो गया गाइस। अंदर पूरा का पूरा खाली हो गया है, देखिए अभी भी अंदर आप लोग देख सकते हैं ये मशीन सब लगा हुआ है। और गाइस देखिए पूरा जंगल हो गया है, यहाँ पे लोग आता भी नहीं है आजकल ज़्यादा। पहले जब हम लोग छोटे थे, हम लोग जब बच्चे थे तब ये फुल्ली फंक्शनल एक हाइड्रो पावर स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अभी तो काफ़ी साल हो गया ये बंद हुआ, लगभग 90s के दौर में ये शायद बंद हुआ होगा। तब तक तो ये फुल्ली यूज में था गाइस, यहाँ पे पानी की मदद से बिजली बनाया जाता था। देखिए हालत पूरा खराब, बाप रे। और गाइज यहाँ पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक कॉलोनी हुआ करता था स्टाफ के लिए क्वार्टर, ये थोड़ा बाद में बनाया गया था, यहाँ पे स्टाफ के लिए रहने का व्यवस्था था, बहुत सारा रूम्स है इसके अंदर। और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कुछ बचा कुचा हिस्सा, यहाँ पे शायद स्टोर रूम ना कुछ था पहले।
और ये जो पीछे का वॉल आप लोग देख रहे हैं, इसको बीच में एक बार रिपेयर किया गया था। पीछे का थोड़ा अलग था स्ट्रक्चर, बीच में रिपेयर करके इसको चेंज किया था। और नीचे आप लोग देखिए नदी बनने को, ये बनी जाता थी ना वाला तभी शायद ए यो ब्रिटिश को पालक हो यो बनिँदाखेरि चाहिँ तपाईहरु पनि थिएन, जन्मेको पनि थिएन। सो गाइस, तो जैसे कि इन्होंने बताया गाइस कि जब ये बना था तब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे। इनफैक्ट मेरे दादाजी से भी मैंने सुना कि वो लोग भी पैदा नहीं हुए थे। ये जब ये लगभग बना था गाइस आपका 1835 से लेके 1850-60 इसी के बीच में शायद ये बना होगा गाइस। और यहाँ पे पानी की मदद से बिजली का उत्पादन किया जाता था गाइस। और तब से लेके लगभग 1990s के दौर तक ये फुल्ली फंक्शनल एक यूनिट था गाइस। ये पता नहीं कौन सा साल में ये एक बार रिपेयरिंग हुआ था, बस उसके बाद से ये टोटली ऐसे बंद क्लोज्ड है गाइस। हेरिटेज साइट बन सकता था दार्जिलिंग में, इनफैक्ट इंडिया में ही, अगर इसका ठीक से ध्यान रखा गया होता। लेकिन बहुत दुख की बात है गाइस कि आज ये इस हाल में हमें देखना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और लोगों ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सो उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं कि एक हेरिटेज बनने लायक का एक पावर स्टेशन आज ये हाल में है गाइस।